वचन दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन साईं बाबा बनी बाबा बगड़ जनिर 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 सा दिव्य वचन सत्य वचन अमर वचन जीवित वचन दिव्य वचन दिव्य वचन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सभी की सलामती की दुआ चाहता हूं। जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आप लोगों से बातें करना चाहता है। वो अपने दास के द्वारा आपको संदेश देना चाहता है और वो संदेश ये है, ये दिन बुरे हैं, आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। सजग होकर प्रार्थना करना, उलझाने वाली बातों से अपने आप को दूर रखना। परमेश्वर आज आपको बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं, मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं और तेरे हित की योजना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वचन को अपने जीवन में धारण करें। ये वचन जिन्हें आप सुनने वाले हैं, आपके जीवन में 100 गुना 60 गुना और 70 गुना फल लाएं। प्रियजनों, ईश्वर प्रज्ञा का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, उसमें जीवन है। जो उसे ढूंढते हैं वह उन्हें मिल जाता है। ईश्वर ही हमें प्रज्ञा प्रदान करता और समझदारी देता है। उसकी मर्जी के अनुसार इस दुनिया में सब कुछ होता है। उसकी सांसों से हमारी सांसें चलती हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है जब उसने अदन वाटिका में आदम को ब्लेस किया, एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी, वही प्राणवायु हमारे जीवन में भी प्रवाहित है और इसी के द्वारा मैं और आप जीते हैं। हम उसकी ज्योति में चलते हैं और उसका सत्य हम में निहित है और वो हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने का कार्य पूरा करता है। तो जो प्रज्ञा स्वर्ग से आती है, याकूब कहता है, वह पवित्र है और शांतिप्रिय है। संत याकूब का पत्र अध्याय 3:17 में हम पढ़ते हैं कि जो ज्ञान, जो अनुग्रह, जो प्रज्ञा परमेश्वर की ओर से आती है वो शांतिप्रिय है। जब इंसान उस प्रज्ञा को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, तो वह उसे बल देती है, सामर्थ्य प्रदान करती है। अगर किसी को ज्ञान की कमी हो, संत याकूब लिखता है, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे। याकूब का पत्र अध्याय 1:5 और परमेश्वर उसे अपने ज्ञान के भंडार से वो ज्ञान प्रदान करेगा। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। मैं और आप किताबी ज्ञान हासिल करते हैं जो हमारी आर्थिक चीजों को पूरा करने में हमारी सहायता करता है, पैसा कमाने में हमारी सहायता करता है। जो डिग्री आप और मैं हासिल करते हैं वो हमें एक अच्छी नौकरी दिलाती है, शायद हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन नहीं करती है। यदि हमारे जीवन को आलोकित करना है सत्य से, प्रेम से, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो ज्ञान परमेश्वर की ओर से आता है। वो ज्ञान हमें पवित्र शास्त्र से मिलता है, वो ज्ञान हमें परमेश्वर की आत्मा से हमें मिलता है। इसलिए संत याकूब कहता है कि हम उस ज्ञान की अभिलाषा करें, उन वरदानों की हम अभिलाषा करें जो परमेश्वर की ओर से आती हैं। और मैंने आपको स्पष्ट किया कि एक बच्चा नर्सरी क्लास से लेकर डिग्री हासिल करने तक किताबी ज्ञान को प्राप्त करता है, जो उसे नैतिकता सिखाते हैं, समाज में बने रहना सिखाते हैं, समाज में एक पद हासिल करने में उनकी सहायता करते हैं,
लेकिन परमेश्वर की ओर जाने वाला जो ज्ञान है वो हमें धर्मशास्त्र से मिलता है, वो हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। इसलिए संत याकूब उस ज्ञान के विषय में हमें बताने की कोशिश करते हैं। तो इंसान के लिए जरूरी है कि पाठशाला के ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके जीवन में हो। जो विद्यालय में पुस्तकें पढ़ी जाती हैं उस ज्ञान के साथ साथ धर्मशास्त्र का ज्ञान भी हो। धर्मशास्त्र का ज्ञान हमें अपनी आत्मा को बचाने और परमेश्वर को समर्पित होने का वरदान प्रदान करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने 10 कुमारियों के विषय में एक दृष्टांत सुनाया जिसमें 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख थीं। बुद्धिमान कुमारियों ने अपने आप को तैयार किया, दूल्हे की आगवानी करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में दिए लिए, मशाले ली और कुप्पी में तेल भी लिया, क्योंकि दूल्हा किस घड़ी आ जाएगा इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। लेकिन जो कुंवारियां आलसी थीं, जो कुंवारियां मूर्ख थीं, वो अपनी मशालों के साथ कुप्पी में तेल नहीं लेकर आईं। और जब दूल्हा द्वार पर आकर खड़ा हो गया तो उन्होंने बुद्धिमान कुंवारियों से कहा कि अपने तेल में से थोड़ा हमें भी दे दो, हमारे दिए बुझते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम जाकर खरीद कर ले आओ, क्या पता ये तेल हमारे लिए ही पर्याप्त ना हो। प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हमारी दशा भी कभी कभी यूं ही होती है। समय रहने पर हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, हम सोते रहते हैं, हम आलसपन के शिकार हो जाते हैं। और जब बीमारी हमारे जीवन में या घर में डेरा डाल लेती है या हम कर्ज से डूब जाते हैं अपने आलसपन के कारण, तब हम पछताने लगते हैं। और जब तक हम उसको चुकता करने का प्रयास करते हैं, उससे आज़ाद होने का प्रयास करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज के वचन में प्रभु यीशु हम लोगों से कहना चाहता है कि हम लोग तैयार रहें, हम लोग जागते रहें, सजग होकर प्रार्थना करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की जो जलती हुई मशाले हैं वो बुझ जाएं, आप लोगों के जो जलते हुए दिए हैं वो बुझ जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें बपतिस्मा के द्वारा उस ज्योति से आलोकित करता है। वो ज्योति सदा जलती रहनी चाहिए, किसी तरीके का तूफान उसे बुझा ना पाए, वो हमारे जीवन में सदा बनी रहे और हम इन विषम परिस्थितियों में प्रभु के साथ रहें। याद रखें, संसार में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के दुख रूपी, पाप रूपी और बुराई रूपी तूफान आएं और आपकी धार्मिकता को नष्ट करने का प्रयास करें। इन तमाम विषम परिस्थितियों में भी बने रहना, खड़े रहना, परमेश्वर की हजूरी में रहना, प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वासियों को अत्यंत जरूरी है। तो हमारी मृत्यु के दिन हम सब लोग बुद्धिमान या मूर्ख ठहराए जाएंगे। हमारी मृत्यु के दिन हम सब लोग बुद्धिमान या मूर्ख ठहराए जाएंगे। हमारे ही वचनों से, हमारे ही कर्मों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। परमेश्वर तख्त पर बैठकर प्यारे भाइयों और बहनों हर एक का न्याय करेगा और उसके कर्मों के अनुसार उसे फल देगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल प्रदान करूंगा। और ये फल और ये पुरस्कार निर्भर करता है कि क्या हमने अपना मसीही जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताया है या नहीं, क्या हमने उसकी आज्ञा का पालन किया है या नहीं, क्या हमने पवित्रता में रहकर जीवन बिताया या नहीं, क्या हमने पवित्रता, विनम्रता और विश्वास की साधना की है, क्या हमने अपने मन का तीर्थ कभी किया है या नहीं। इंसान आज अधिकांश समय तीर्थ करने में गुजार देता है, अनेक बड़ी बड़ी जगह पर जाकर वो तीर्थ करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने मन का तीर्थ करने की आवश्यकता है, शांति की, विश्वास की, पवित्रता की, विनम्रता की साधना करने की आवश्यकता है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या
1-3 में हमें बताता है कि आप लोग हमसे ये शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु ईसा मसीह के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय विनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। कितनी सुंदर बात है, संत पौलुस हमसे आग्रह करता है, कहता है कि मैं जानता हूं कि आप उस शिक्षा पर चलते हो जिसे हमने आपको दी है, लेकिन अंत में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपसे अनुनय विनय करता हूं कि आप इस विषय में और बढ़ते जाएं, अर्थात पवित्रता में, विश्वास में, विनम्रता में आप लोग और बढ़ते जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु ईसा मसीह की ओर से आपको कौन कौन से आदेश दिए हैं। तो संत पौलुस उन्हें आदेश देता है, ईश्वर की इच्छा को उन्हें बताता है कि ईश्वर की इच्छा क्या है, कैसे हम सजग रह सकते हैं, कैसे हम प्रभु की हजूरी में बने रह सकते हैं, कैसे हम पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। आगे लिखता है कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत न रहे। आज अधिकांश परिवारों की यही दशा है, वे सजग नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन में इन सारे बातों से होकर गुजरते हैं। कभी वो अपनी पत्नी से या पति से दूर चले जाते हैं, कभी संतान से दूर चले जाते हैं और ईश्वर से दूर चले जाते हैं। संत पौलुस कहता है कोई भी मर्यादा का उल्लंघन न करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय न करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए यीशु ने स्वयं कहा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस प्रकार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। यदि हम सजग नहीं हैं, यदि हम जागते हुए नहीं रहते, सतर्क नहीं रहते, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये दिन चोर की नाई हमारे ऊपर फंदे के जैसे आ पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। मैं समझता हूं कि बाइबल निरंतर हमारा मार्गदर्शन करती है। जो जो व्यक्ति इन वचनों को सुनता, समझता और उन पर चलता है, वो ईश्वर की हजूरी में बना रहता और अनुग्रह से भरा रहता है। परमेश्वर उसकी हड्डियों की रक्षा करता है, परमेश्वर उनके घरों में डेरा डालता है, प्रभु का स्वर्गदूत उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए बाइबल हमें बार बार समझाती है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सतर्क रहो, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, धन्यवाद के निवेदन तुम परमेश्वर को अर्पित करते रहो। एक बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है जो ऐसी बातें हमसे बताता है, ये दिन बुरे हैं, इसलिए तुम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलो, उसकी बातों का पता लगाओ, कौन सी बातें परमेश्वर को प्रिय हैं, जागते रहकर परमेश्वर के सामर्थ्य से भरकर तुम शैतान की धूर्तता का सामना करने के योग्य बन जाओ। इसलिए मुक्ति का टोप पहनो, विश्वास की ढाल लिए रहो, शांति सुसमाचार उत्साह के जूते पहने रहो। ईश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है, उसे धारण करके, सत्य का कमर बंद कस करके तुम शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए खड़े रहो। और बाइबल कहती है परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे डाल देगा और वो आपके सामने से भाग जाएगा। इसलिए इन सारे हथियारों के साथ शैतान की धूर्तता का सामना करना, हम अपने आप से पूछें कि क्या ये हथियार हमारे पास है? क्या प्रार्थना, विश्वास, आत्मा की तलवार, ईश्वर का वचन, पवित्रता,
शांति सुसमाचार और उत्साह के जूते, क्या मुक्ति का टोप या सत्य का कमरबंद हमने कसा है या नहीं। विश्वासी के ये हथियार हैं, और विश्वासी जब इन हथियारों को लेकर आगे बढ़ता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शैतान आपके पैरों के नीचे होगा, शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं इस वचन को कहा कि मैंने शैतान को आसमान से बिजली की तरह गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, लेकिन खुश इसलिए होना, आनंद इसलिए मनाना क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। अब परमेश्वर हमारे आनंद का विषय है, यीशु मसीह और उसका वचन हमारे आनंद का विषय है, क्योंकि पृथ्वी के लोगों को उसकी शांति मिली है। पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं उसकी महिमा उनके बीच में प्रकट हुई है, और वो प्रकाश बनकर हमारे बीच में आया है। इसलिए बाइबल कहती है नींद से जागने का वक्त आ गया है। संत पौलुस स्पष्ट करता रोमियों को लिखते हुए अध्याय 13 पद संख्या 11 में कि अब नींद से जागने का वक्त आ गया है। अब नींद से जागने का वक्त आ गया है। आप लोग विश्वास में दृढ़ बने रहें और साहसी तथा समर्थ बने। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, रोमियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 11 और उससे आगे। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद से जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग करें, ज्योति के शस्त्रों को धारण कर लें, हम दिन के योग्य आचरण करें, हम रंगरलियां, नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़ा और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु ईसा मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। ये दिन बुरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये बाइबल हमें बताती है। इन वचनों को सुनने के बावजूद यदि कोई इन पर खरा नहीं उतरता तो वह अपने जीवन को नष्ट करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती, कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 16 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग जागते रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, साहसी तथा समर्थ बने, आप जो कुछ भी करें भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। आप जो कुछ भी करें भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर करें। माता पिता जो कुछ भी करें वो पितृत्व और मातृत्व के प्रेम से होकर करें। ये आपको आशीष प्रदान करेगा। संत पौलुस कहता है कि हम दूसरों की तरह सोए नहीं, हम दूसरों की तरह सोए नहीं। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 और उससे आगे। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह सोए नहीं बल्कि जागते हुए सतर्क रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क बने रहें, क्योंकि ईश्वर यह नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि अपने प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। क्योंकि मसीह हमारे लिए मरे जिससे कि हम चाहे जीवित हों या मर गए हों उनसे संयुक्त होकर जीवन बिताएं। यह परमेश्वर की इच्छा है विश्वासियों के विषय में, आपके विषय में। वो चाहता है कि आप लोग सतर्क रहें, आप लोग जागते रहें, क्योंकि आप अंधकार की संतान नहीं है, आप ज्योति की संतान हैं। और जब कोई व्यक्ति प्रकाश में आ जाता है, ज्योति में आ जाता है, तो वह ज्योति उस व्यक्ति को आलोकित कर देती है। इसलिए प्रियजनों, बड़ी उत्सुकता से परमेश्वर के दिन की प्रतीक्षा करना, बड़ी उत्सुकता से परमेश्वर को अपने जीवन में धारण करना, बड़ी उत्सुकता और उत्साह के साथ परमेश्वर की हजूरी में बने रहना। इसलिए संत पौलुस पेत्रुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 10 में हमें बताता है कि प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा, उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब कुछ भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है तो आप लोगों को चाहिए कि
सुखी पवित्र तथा भक्ति पूर्ण जीवन व्यतीत करें। अगर ये सब इस तरह से विलुप्त हो जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, कुछ भी बचा नहीं रहेगा, तो संत पौलुस कहता है कि आप लोग जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं उन्हें भक्ति पूर्ण जीवन बिताना चाहिए और आप अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होते हुए देखेंगे, उसकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। और आगे लिखा है, उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें, उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी, जहां धार्मिकता निवास करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चले और परमेश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आती रहेगी। ये सब बातों को प्राप्त करने के लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की आवश्यकता है, पवित्रता की, शांति की, विनम्रता की साधना करने की आवश्यकता है, विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है, सेवा के कार्यों में समर्पित करने की आवश्यकता है, अपने आप को समर्पित करके आत्म त्याग करने की आवश्यकता है। और ईश्वर को जो बातें प्रिय है उन बातों का पता लगाते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर की दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। आज के ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना 60 गुना 70 गुना फल उत्पन्न करें, हम इसी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। आमीन।